बहुत ही प्यारा व्यू भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं मसूरी। सब लोग बोल रहे थे जोश के साथ, नहीं बोला मैंने तो इसलिए जोश के साथ बोले कि हाँ हम लोग का अच्छा कब से प्लान था मसूरी जाने का, तो फाइनली आज हम जा रहे हैं तो निकल गए सब लोग। मेरी हम सारी फैमिली जा रही है, हमारी तीनों ननद है अपनी अपनी गाड़ी से जा रही है वो लोग, तो बने रही हमारी वीडियो। तो गाइस देख सकते हैं कि अभी कितना घंटे दिखा रहा है, 7 आवर दिखा रहा है। तो अभी दिल्ली से हम निकल चुके हैं, देखते हैं 7 घंटे में पहुंचते हैं या ट्रैफिक मिलेगा तो 8 घंटे भी हो जाएगा। गाइस तो हम सब लोग एक पॉइंट पे मिलने वाले थे तो यहाँ पे आ गए हैं मुरथल। मुरथल में हम हाँ सारी फैमिली हम लोग यहाँ पे गेट टुगेदर होंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत खा के फिर हम वापस चलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम रुकने वाले हैं, मतलब यहाँ पे कुछ डिनर वगैरह करेंगे जिसको जो खाना है उसके बाद चलते हैं। तो गाइस हम एंट्री करने वाले, देखने बाहर से तो बहुत सुंदर लग रहा है, देखते हैं खाना वगैरह कैसे है यहाँ पे। तो हमारी सारी फैमिली वहाँ सामने दिख रही है तो मैं मिलवाती हूँ। हाँ ये अंदर कितना ज़्यादा ठंड हो रखी है, मज़ा आ रहा है। गाड़ी में भी कूलिंग की थी हमने पर नॉर्मल रखा हुआ था। हेलो हाय। ये देखिए हमारी फैमिली, हाय ये सारे हैं। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे प्लेट आ गया, अभी खाना नहीं आएगा तो हम वेट कर रहे हैं। देख रहे हो प्लेट ऐसे चमक रही है जैसे चांदी की प्लेट और कटोरियाँ। सारी फैमिली हमारी आ गई है। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुरथल जो है वो पराठे के लिए फेमस है, तो मेरे हस्बैंड ने मंगाया आलू प्याज के पराठे, मैंने मंगाया डोसा, कुछ लोग अपना चावल मतलब प्रॉपर खाना भी खा रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस हम खाना बिना खा के निकल गए हैं, अब सुस्ती वाले मोड में आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है तो अभी तो सो नहीं सकते, थोड़ा ऐसे ही रेस्ट करते हैं। क्यों नहीं सो सकते, मतलब ऐसे नींद नहीं आएगी ना, ऐसा कंफर्टेबल तो हूँ लेकिन नींद नहीं आती मैं लेट जाओ पीछे। गाइस इधर हमने बेड लगा रखा है मम्मी के लिए, लेकिन मम्मी फिर भी बैठी हुई है, जब मम्मी को नींद आएगी तो वहाँ सो सकती है आराम से। गाइस तो रात के बज गए हैं 1 और हम लोग मसूरी पहुंचने में अभी 2 घंटे टाइम है। तो देखो यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल बारिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी कितनी तेज़ बारिश हो रही है मैं आपको दिखाती हूँ बैक कर। सो गाइस देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। तो हमारे जो अभी ड्राइवर है वो बिल्कुल ही एक्टिव है। तो आप सब देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हो रही है यहाँ पे, तो मस्त लग रहा है अभी, मजा आ रहा है, सब एक्टिव मोड में हो गया, ऐसे सबको नींद आ रही थी लेकिन अब बारिश एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। सब अभी यहाँ पे जाम में फंस गए हैं तो यहाँ पे सब बाहर निकल के मस्ती कर रहे हैं। बाहर थोड़ा मौसम सही है ठंडा, हाँ तो यहाँ बारिश हो रही थी मस्त वाली, तो अभी बारिश के बाद ये लोग मजे कर रहे हैं बाहर रोड पे ऐसे निकल के, क्योंकि अभी काफी लंबा जाम है। तो देखते हैं कितने देर में पहुंचते हैं हम लोग, अभी देखते हैं कितना टाइम दिखा रहा है, कितने बजे पहुंचेंगे। 3:13:12 का दिखा रहा है लेकिन अभी कुछ नहीं पता कब तक पहुंचेंगे हम जाम में फंसे। सो गाइस हम लोग थक थका के आ गए हैं यहाँ पे, अभी देहरादून आने वाले हैं तो सबको चाय पीने का मन था तो चाय के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। तो यहाँ पे चाय के लिए इन्होंने ऑर्डर दिया था, चाय बन गई है तो सबको मिल रही है, एक वहाँ पे रखी हुई है चाय। चाय ये रही हमारी चाय, तो बस अब हम चाय पियेंगे और हम सब निकल जाएंगे फिर से जोश में आके, अभी सब सुस्ती हो रखे हैं तो वही थोड़ी सी एक्टिव जोन में आने के लिए सब चाय पी रहे हैं। तो तासी कैसा लग रहा है, देखो तासी के फेस पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हाँ थकावट या नींद आ रही हो, ये लो बच्चे तो नींद पूरा कर लिए हैं। एक उस कोने में इधर देखो तनवीर, देखो इन लोगों ने नींद पूरी कर ली है अपनी बिल्कुल। एक उधर है, एक इधर है, ये कहाँ है गाड़ी में, ये वो बैठे हुए शायद। तो ये एक वो हमारी गाड़ी है, एक ये गाड़ी है, एक वो वाली, 3 हमारी गाड़ी। ओह माय गॉड, अरे भाई आगे आते ही देख रहा है,
सो गाइस फाइनली हम लोग होटल में पहुंच गए हैं। तो ये रहा होटल का नाम। बेचारे हमारे स्वागत में खड़े हैं इतने सुबह सुबह। सबकी हालत हो रखी है खराब, दाग बंद हो गया, सबका कान बंद हो गया, क्योंकि सबसे टॉप पे हैं, पहाड़ के सबसे टॉप वाले पहाड़ पे हैं। तो देखो तो आप देख सकते हो कैसा है होटल, काफी सुंदर है। सुबह मैं और अच्छे से दिखाऊंगी। सो गाइस हमने कार पार्किंग कर दी है, अब बस एंट्री करने वाले हैं। कितना सुंदर है ना ये होटल, बहुत ही सुंदर है। तो बस हम एंट्री करने वाले हैं रूम में, तो मैं दिखाती हूँ कैसा है एम्बियंस अंदर का। बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो छाते पे भी है, वैसे इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है, मजा आ रहा है। सो गाइस देख रहे हो छोटे से बच्चा कैसा इंजॉय कर रहा है, वो भी छाते में। ये रहा, ठंड लग रही है अभी से, ऐसा लग रहा है कहाँ आगे, ठंडी ठंडी जगह, मजा आ रहा है। लेकिन हम आ गए हैं अंदर, बस यहाँ पे एंट्री वगैरह करेंगे, हमारा आधार कार्ड वगैरह सबमिट करेंगे। एंट्री हो रही है यहाँ पे, ये गणपति बब्बा है, गणपति बब्बा मौर्य। सो गाइस ये एक एरिया भी है, काफी अच्छा बना रखा है इन लोगों ने। यहाँ पे अगर आपको कोई गेम खेलना है तो खेल सकते हो। अच्छा यहाँ पे वो सांप सीढ़ी वाला गेम है। अच्छा ये होटल काफी अच्छा, अगर कोई मसूरी में आता है ना तो यहाँ पे आ सकता है, बहुत सही लग रहा है। चेस भी खेल सकता है वहाँ पे, लूडो के लिए भी है। अच्छा लगा मुझे तो। तो गाइस हम अपने फ्लोर पे आ गए, हमारा थर्ड फ्लोर पे है रूम। ये तीन रूम है, एक ये वाला रूम है, सेम स्ट्रक्चर है वैसे तो सभी का, है ना। वॉशरूम देख लिया था मैंने, वॉशरूम भी बहुत सही है। अच्छा है ये होटल, काफी अच्छा है, थर्ड स्टार होटल है। रात में तो क्या ही बालकनी दिख रहा है, बालकनी बहुत सुंदर है। ठीक है कोई रात सुबह दिखाते हैं गाइस आपको बालकनी का भी। गाइस हल्की हल्की सुबह हो गई है और बादल भी जा चुके हैं। अब देखिए यहाँ का व्यू, व्यू आ रहा है बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा व्यू है। कल अर्ली मॉर्निंग जब थोड़ा सा सवेरा हो जाएगा तब आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का। काफ़ी अब तक तो काफ़ी अच्छा लगा हमें ये होटल। होटल का नाम है ट्विन ऑफ हिल्स।